पे कौन सी राइड्स होती है, हम ट्राई करेंगे थोड़ी गेम्स खेलने का, थोड़ी राइड्स करने का और आई होप कुछ प्राइजेस जीतने का। तो लेट्स रोल। तो अभी हम आ गए हैं न्यू गेम खेलने जो है डार्ट का। अभी इवान की बारी। इवान बलून्स में से हमने 20 बलून्स तोड़ दिए हैं, तो हम प्राइस जीत चुके हैं। अब हमें सिलेक्ट करना है कि हम क्या लेने वाले हैं। सब पूरी फैमिली ने मिलके जीती है इवान के लिए कार। जा रहे हैं इवान के नाना नानी और अवी वहाँ पे सामने गेम खेलने जिसमें हम सॉफ्ट टॉयज जीत सकते हैं। तो देखते हैं इवान के लिए कौन सॉफ्ट टॉय जीत के लाता है। चलो इवान, चलो मैं ट्राई करता हूँ इस बार, ठीक है। तो यहाँ बहुत फेमस जिंजर ब्रेड मिल रहे हैं, हम इंडियन लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा बट यहाँ बहुत फेमस है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये, पर ये बंदूक इतनी हैवी है, एकदम रियल की तरह फील आ रहा है। बचपन से बहुत प्रैक्टिस है, देख लो मैं हर एक सूट में एक निशाना मारूंगा, देख लो पकड़ते कैसे सोच इसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। खतरनाक प्रोफेशनल। और ये लास्ट बचा किसको मार रहा है बता दे। हां मैं बताऊं, वो ग्रीन वाले पे, ग्रीन वाले पे। नहीं नहीं नहीं, बच गया साला। यहां क्या मिला सुनी का हमें, तो हम इनमें से कुछ चूज कर सकते हैं। वो टाइगर ले ले, वो क्यूट लग रहा है, है ना। सोनी का भी करने वाली हो पीछे वाली राइड। यार अभी प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मस्त राइड है। एंड ये रही सोनी का। डर तो लग रहा है मुझे, पर ट्राई करते हैं, चलो लेट्स गो। लग तो मस्त रहा सोनी का। हियर सोनी का, अगर तुझे कुछ हुआ ऊपर तो तुम जिम्मेदार रहोगे, ठीक है।
कुछ नहीं होगा, डर लगे तो आंखें बंद कर लेना यार। मुझे बहुत डर लगता है राइट से, अभी जाने वाला है ऊपर ये। और तुमको पता है पूरे जायंट व्हील में सिर्फ तुम और मैं ही बैठे हैं। प्राइवेट बुक किया है तुम्हारे, सोनी का तुम्हारे लिए। अमेजिंग व्यू ऊपर से यार। क्या खेल लियो तो यहाँ पे तीन चांस मिलेंगे और 10 पिन के डब्बे रखे हैं, 10 के 10 नीचे गिरे तब कुछ प्राइज मिलेगा। देखते हैं आज हमारा लक। तुम्हारा सर समझ के फेंकती हूँ मैं इसको। सुनेगा मेरा सर बस की नहीं तुम्हारी। वो बहुत ज्यादा भारी है और बॉल बहुत ज्यादा हल्का है एक्चुअली। और सोनिका को मेरा ओके। तो सोनिका किस तो मिला, सोनिका ने कितने गिरा दिए? मैंने मेरे बच्चे 2 बजे थे ना लास्ट में, कितने बजे थे? 3 बजे थे लास्ट में। मिला यहाँ पर एक बोला छोटा पॉइंट मिलेगा या तो फिर कुछ एक छोटा प्राइज ले सकते हैं। पानी की पिस्तौल ले। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? यहाँ पर एक टैटू आर्टिस्ट है, मैं सोच रहा हूँ टैटू बना लूँ आज। टैटू? आर यू सीरियस? क्या दिक्कत क्या है उसको बनाने में? एक बना सकता हूँ अभी, एक स्पेशल टैटू बनाने वाला हूँ, स्पेशल वाला। रियली? चलो फिर बनाओ तुम, हम तुम्हारा वेट करते हैं। आता हूँ ठीक है थोड़ी देर। 20 मिनट्स लेटर। तो आ गया अभी टैटू बना के। क्या बनाया है अभी? तुम बिलीव नहीं करोगी, तुम्हारे लिए एक मस्त सरप्राइज है। ओके। वो टैटू आर्टिस्ट इतना मस्त था, मेरे से तुम्हारा फोटो दिखाया और उसने तुम्हारा पोर्ट्रेट बना दिया यहाँ पर। मेरा पोर्ट्रेट? हाँ। झूठे? सच में? सीरियसली? वाओ दिखाओ अभी। गजब बेइज्जती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा मजाक लग रहा है तुम्हारी तरह? तुम्हारी तरह लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा सोने का कि तरह लग रहा है नहीं लग रहा है। जर्मनी में कहीं भी जाओ एक चीज तो हमेशा हर जगह मिलेगी। हाँ? वो है इन लोगों का फेवरेट करीवुर्स्ट। तो रात के 9:15 हो चुके हैं, मेला अभी तक चल रहा है और अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, पर पापी पेट को कौन बताए बहुत भूख लग रही है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। बहुत भूख लग रही यार। पर सोनी का यहाँ एक चीज बेस्ट पार्ट जर्मनी का क्या है पता है? क्या? ऑप्शन बहुत है खाने के। रियली? फ्राइड गोभी विद मायोनीज, फ्राइड गोभी विद केचप, फ्राइड गोभी विद गार्लिक सॉस, वो भी सेम रहती है बस केचप चेंज होते रहते हैं, ऊपर से सॉस चेंज होते रहते हैं। तो इसी के साथ करते हैं हम आज का व्लॉग खत्म। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।